क्या आप लोगों को पता है कोरोना वायरस नेगेटिव और पॉजिटिव जांचने के लिए कितना टाइम लगता है और कितने टेस्ट करने पड़ते हैं? मैं आप लोगों को बता दूं कि कोरोना वायरस पॉजिटिव और नेगेटिव जांचने के लिए 5 टेस्ट करने पड़ते हैं और इसमें एक दिन से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट सऊदी अरब ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें कोरोना वायरस पॉजिटिव और नेगेटिव जांचने के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट करना पड़ेगा और इस टेस्ट का रिजल्ट आने में 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। तो आज हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में फुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसके बारे में जानने के लिए सिर्फ आपको 5 मिनट इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आज के इस वीडियो से कम 10 सब्सक्राइबर उम्मीद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा गोल पूरा कीजिए। सो शुरू करते हैं। WAM न्यूज एजेंसी के मुताबिक अरबिया ने कोरोना वायरस के लिए एक रैपिड लेजर टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें ब्लड सेल में कोरोना इंसर्ट होने के साथ साथ ही ये टेक्नोलॉजी कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट करती है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक कॉन्टलेस इमेजिंग लैब द्वारा विकसित ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का स्क्रीनिंग कर सकती है और इसका रिजल्ट विद इन सेकेंड में आ सकता है, जिससे कोरोना पॉजिटिव जांचना बहुत ईजी हो जाएगा और इससे कोरोना वायरस कम फैलेगा। अकॉर्डिंग टू WAM रिपोर्ट, न्यू टेक्नोलॉजी में काम करने वाले रिसर्चर्स वायरस इन्फेक्टेड ब्लड सेल के स्ट्रक्चर चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं। एक प्रमुख रिसर्चर के अनुसार अब तक के अर्ली स्टेज में ये डिवाइस ब्लड सेल इन्फेक्टेड होने के तुरंत साथ साथ ही पता लगा सकती है। दोस्तों, ये लेजर बेस्ड DPI यानी के डिफरेंट फेज इंटरफेरोमेट्री टेक्निक ऑप्टिकल फेज मॉड्यूल के आधार पर कुछ सेकेंड के अंदर ही संक्रमण का संकेत देने में सक्षम है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए जिन्होंने इस रिसर्चर टीम का नेतृत्व किया है उनका नाम है डॉक्टर प्रमोद कुमार। उनके मुताबिक ये टेक्नोलॉजी यूजर फ्रेंडली है और लो कॉस्ट है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के डेवलपर्स ने कहा है कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हॉस्पिटल में भी हो सकता है और इसके साथ सार्वजनिक संस्था यानी के शॉपिंग मॉल और सिनेमा घरों में भी हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर प्रमोद कुमार ने ये भी कहा है कि इस टेक्नोलॉजी को हम थोड़ा सा ट्रेनिंग के साथ ही यूज़ करना सीख सकते हैं और इससे हम इस टेक्नोलॉजी का घर में भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, और उन लोगों को ये भी लगता है कि ये टेक्नोलॉजी कोरोना वायरस का प्रसार से निपटने के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का परीक्षण कई चरणों में किया गया है और हाल ही में इसका परीक्षण बड़े पैमाने पे किया जा रहा है और डेवलपर उम्मीद कर रहे हैं कि विद इन कुछ मंथ में ही ये टेक्नोलॉजी मार्केट में होगी, जिससे कोरोना वायरस को फैलने से बहुत हद तक रोका जा सकता है। दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ अब्दुल रहमान ओवैसी ने कहा है कि सऊदी अरब शुरुआत से ही COVID-19 की रैपिड टेस्टिंग किट के ऊपर काम कर रही है। दोस्तों, सऊदी अरब के स्वास्थ्य अधिकारियों ने ये कहा, क्वांटलेस के साथ इस टेक्नोलॉजी का प्रगति बारीकियों से निगरानी किया गया है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सके। ये टेक्नोलॉजी बनाने के लिए सऊदी अरब ने हर पैमाने पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है, इसीलिए ये टेक्नोलॉजी शायद आज बनके रेडी हो चुकी है। सो दोस्तों, हम भी उम्मीद करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्दी मार्केट में आ जाए, इससे कोरोना वायरस इजीली डिटेक्ट हो सकता है और इससे कोरोना वायरस को रोकना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो आज का वीडियो यही तक। आप लोगों को अगर इस वीडियो का कॉन्टेंट पसंद हो तो प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, और आप लोगों का अपना कोई भी ओपिनियन हमें जनाना हो या आप लोगों को कुछ गलत लगा हो इस वीडियो में तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हो।